नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास खबर जौनपुर से। बक्सा थाना पुलिस द्वारा ग्राम गोठवा थाना महाराजगंज निवासी एक युवक ब्रिजेश गौतम पुत्र दूधनाथ गौतम 18 वर्षीय को देर रात बक्सा पुलिस ने बनाया अपनी गोलियों का निशाना। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली ब्रिजेश के बाएं पैर में लगी, जो घायल हो गया। बक्सा पुलिस द्वारा उसे रात्रि 2:30 पर घायल अवस्था में इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया। बक्सा पुलिस द्वारा ब्रिजेश को घायल अवस्था में जिस पुलिस जीप से जिला अस्पताल लाया गया था, वह पुलिस जीप बिना नंबर प्लेट की थी। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिला पुलिस से बदमाशों की जब भी मुठभेड़ होती है, तो वह भी देर रात्रि की ही पहर और पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को घायल अवस्था में अस्पताल भी देर रात्रि को ही लेकर आया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यह अपने में एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। सवाल यह भी जहन में उठता है कि क्या देर रात्रि ही पुलिस से बदमाशों की मुलाकात होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस अभियुक्तों को पहले से ही पकड़कर 1-2 दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखकर देर रात्रि का इंतजार करते हुए गुपचुप ढंग से अपने काम को अंजाम देती है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 7/4/2022 को थाना प्रभारी बक्सा, थाना प्रभारी बदलापुर, थाना प्रभारी घोटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामो रोड पर कुछ अपराधियों को, संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें स्वाट टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगी। मौके पर जाकर अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम ब्रजेश गौतम निवासी गोठवा थाना महाराजगंज बताया। और उसने बताया कि मेरे साथ 2 और साथी थे जो मौके का फायदा उठा करके भाग गए, वो अभी नहीं मिल सके हैं। उसमें एक जो अभियुक्त है, अपराधी है, वो उसका सगा भाई है, उसकी तलाश की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति का नाम पता अभी अज्ञात है। यह अभियुक्त पकड़ा गया जो ब्रजेश गौतम है, ये 25,000 रुपये का इनामिया है। थाना बक्सा की लूट में इसकी संलिप्तता थी। इसके कब्जे से थाना बक्सा की में लूटी गई एक सैमसंग मोबाइल, थाना बदलापुर की 2 लूट और थाना कुटहन की एक नकबजनी का कुल 8,800 रुपये नकद, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस 315 बोर, ये सब उसके कब्जे से रिकवर किया गया है। इस प्रकार से एक शातिर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश हुआ है और एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उसके कब्जे से लूट की मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल एवं अन्य बदलापुर खुटहन की लूट और नकबजनी के पैसे बरामद हुए हैं। अग्रेतर विधि कार्यवाही की जा रही है। जौनपुर से मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।